माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में अब हम मिनी टूल बार देखेंगे कि क्या होता है। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में आप किसी सेल पर क्लिक करें और किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, तो उसके बाद आपके सामने एक डिम सा टूल बार आपके सामने ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। अगर आप अपना माउस कर्सर उसके ऊपर लेकर जाएं, तो उसके अंदर आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगी जिससे आप अपनी टेक्स्ट को अपने सेल के अंदर एडिट कर सकते हैं। बोल्ड, इटैलिक, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ये टूल बार फायदेमंद है इसलिए कि अगर आप कोई एडिटिंग करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप रिबन में बार बार जाकर एडिट करें, आप इस टूल बार को यूज करते हुए बआसानी यहाँ पर एडिटिंग कर सकते हैं।